जाते हैं वहाँ मोड़ पर जाते हैं। भाई तो मेरे सार और भी रहते हैं मेरे भाई तो पर मेरे इनसे बहुत ज्यादा था इनसे और कभी कभी मैंने कुछ भी कहा कोई करे मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी। सुबह ही बात है 8:55 आते वहां से मैं जब भी आते ना आते ना दो के चार के सबसे पहले वहां जाना था। सर आप उनके भाई हैं कुछ बातचीत हुई थी कुछ बोला था आने के लिए कब आएंगे? नहीं बोला नहीं सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी आज भी सुबह बात हुई थी पारिवारिक बात तो होती रहती थी मारे जी। बाकी ऐसे को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे जब भाई साहब दो दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे एडमिट था पोता तो उसके बाद में फिर चले गए। अगली वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की अगली वीक देखूंगा क्या पता भगवान को क्या मंजूर। रिटायरमेंट भी भाई सब सर की नजदीक थी रिटायरमेंट इसी साल थी। फिर इतने मैडम का मैसेज मिला मैडम आगे भी रोको फिर मैंने बाबी जी को बताया नहीं था भाई मिसेज को मैं थोड़ी देर में चले जाइए हम जा रहे फिर वापिस हम लेके आए मैडम आए थे चलो पता तो लग गया क्योंकि बहू तो जा रही सर पेपर उसके बेटा बाहर है बेटिया भी बाहर है इसलिए। कितने बच्चे थे सर मंजू सर के? एक बेटा एक बेटी। दोनों विदेश रहते हैं जी? ना बेटी तो बेंगलोर में बैंक में जॉब करती है दामाद भी बात होती है टेंशन वगैरह दिखाई दी तनाव में दिखाई ड्यूटी थी इस तरह नहीं तनाव की कोई बात तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे तनाव तो नौकरी प्रति तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे नौकरी पर कभी हाँ और नौकरी वफादार भी थे पंक्चुअल भी थे टाइमिंग कभी उन्होंने घर में इतनी कई बार इतना गुस्से हो जाएगा टाइम अगर थोड़ा भी हो जाए ना भाई मेरे को इस टाइम पहुँचना तो पहुँचना है। अब आपको जानकारी क्या मिली वहाँ बात की आपने? वहाँ तो मैडम एसपी मैडम ने एसपी साहब से बात कराई थी तो उन्होंने तो ये कहा भी ऐसे बड़ी मैसेज दुख प्रकट किया बाद में उन्होंने कहा भी ऐसे बात होगी मैं जो तो सर पता लग गया फिर हमने तो लोगों को पूछे ना भाई स्टेटस क्या है मैं हम वहाँ हिसार जाए या आए तो एसपी साहब ने कहा भी शाम तक तो लगेगा टाइम। तो परिजनों ने कोई फैसला लिया अंतिम विदाई कहाँ दी जाएगी अंतिम सलामी कहाँ दी जाएगी? नहीं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा वो तो महकमे में काम है जी विदाई कहीं दो कहाँ ना दो नहीं जैसे आप बता रहे हैं हिसार में रहना नहीं हम भी संस्कार तो आदमपुर हिसार में करे हमारे पैतृक जगह है इतने नहीं हमारे पेरेंट्स का है जगह वहीं होगी। नहीं नहीं सर अभी तो पोस्ट आज तो होना मुश्किल है कल ही होगा क्यों आज तो टाइम नहीं है। अब छोटे भाई हैं जिनके हमें सबसे छोटा भाई नाम क्या रहेगा सर अपना? अशोक कुमार। हमें आऊंगा अभी चलूंगा वहां से आप मौके पर हो आपको पता लगा टाइम लग गया 12:40 ही बता रहा टाइम है बाबू फोन करो तो ऑफिसर वाला नेटवर्क जो आज करूंगी इस नेटवर्क से ना फोन आता है तो अपने फोन में बना लो मुझे फोन देना सर को अंदर जी
देखिए हाँ, मांजू जी हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर थे और बहुत ईमानदार ढंग से काम करते थे डिपार्टमेंट में, और मैं बरसों से इनको जानता हूँ, बरसों से हमारे साथी रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये इनके साथ ऐसी घटना हुई है, और जिसने भी की है, क्योंकि ये इस तरह का आजकल माइनिंग वाला जो माफिया टाइप जो लोग चल रहे हैं, ये देखते तो है नहीं कि इंसानियत है या नहीं है। तो मैं गुजारिश भी करूँगा ऊपर के हमारे नेतृत्व से भी कि इसकी बेहतर ढंग से जाँच भी की जाए, और अगर कहीं ऐसी कोई गतिविधि पाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अफसरों को ऐसे चले जाना बहुत बुरी बात है।